यदि आपके घर में छोटी बच्चियां हैं तो आप उन्हें कभी अकेला न छोड़ें, क्योंकि राजधानी में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। दरिंदे छोटी बच्चियों को अकेला पाकर अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। रेप से जुड़ी एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। मामला है उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर इलाके का, जहां एक दरिंदे ने घर के पास खड़ी 5 साल की बच्ची को अकेला पाकर उसे बहला फुसला कर कहीं ले जाकर उसके साथ रेप किया। परिजनों के मुताबिक बच्ची का पिता किसी दावत से बच्ची को घर के नीचे छोड़कर किसी अन्य कार्य से चला गया था। कई घंटों बाद बच्ची की मां का फोन जब पिता के पास गया कि बच्ची कहां है, तो पिता के होश उड़ गए। वह तो बच्ची को घर के नीचे ही छोड़कर गया था। बच्ची की तलाश की गई लेकिन बच्ची नहीं मिली। कुछ घंटों बाद ही परिजनों को पुलिस के द्वारा पता चला कि उनकी बच्ची जीटीबी अस्पताल में भर्ती है। यह सर, मेरा दोस्त का कल भाई हज पे जा रहे थे, कल हमारी दावत थी सबका, तो सारे घरों का, तो हमारे बच्चे को भी था, तो मैंने अपने बच्चों को खाना खिलाया अपने साथ 8:30 बजे के करीब, 8:30 बजे खिला के 9 बजे के करीब मैं उसे गेट पर छोड़ के चला गया कि बेटा तू ऊपर चली जा, वो थोड़ा सा नीचे रह गई। तो उसको 9 बजे के बाद मैं अपने काम पे चला गया, तो 10 बजे घरवाली का फोन आ रहा है कि जी बच्ची नहीं है, बच्ची गायब है। फिर हमने आस पड़ोस सब मिल के खोजा, मस्जिदों में यहाँ वहाँ अनाउंसमेंट किया, कहीं नहीं हुआ। फिर मैंने 11:30 बजे में रात को 100 नंबर पे कॉल किया, तो 12 बजे के करीब फोन आया 12:15 में कि आपकी बच्ची करावल नगर थाने में है। करावल नगर थाने में जब हम जाने की कोशिश किए 10-5 मिनट बाद, तो वो कह रहे जी जीटीबी है। तो उसके बाद हम जीटीबी रात भर रहे, बच्ची को वहीं अभी एडमिट है। बच्ची की हालत में सुधार हल्का फुल्का है, लेकिन बच्ची की हालत देखोगे तो आपको दुख होगा। क्या है ये समाज, कैसा समाज है ये, किसी के भी माँ बाप के साथ हो सकता है ये? आप सब, चाहे आप मीडिया वाले हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे ऊपर तक कोई भी हो, चाहे जो भी सुन रहे, जो भी माँ बाप है, वो अपने दिल पर सोचा कि अगर मेरे बेटी के साथ होता तो मैं क्या करता। ये बताए किडनैप करके वो भी गेट के पास, क्या है ये, कैसा ये समाज है? ये 5 साल की बच्ची के लिए अगर कहते बड़ी होती तो कुछ कहा जाता है, ये 5 साल की बच्ची के लिए क्या कहेंगे? परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी की गई कि उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बहरहाल परिजनों ने इंसाफ के लिए सिव्यार ब्रजपुरी रोड पर जाम लगाकर दिल्ली पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं सीसीटीवी कैमरे में दरिंदा कैद हो गया बच्ची को ले जाते हुए, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सिडी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93।
आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9211342 9211478312 9111418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।